टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत है। और शुरू करते हैं दोस्तों इस वीक का टेक्निकल न्यूज। सो दोस्तों फाइनली बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों ओप्पो एंड वन प्लस की ओर से। जी दोस्तों, ओप्पो और वन प्लस का दोनों का एक ही मॉडल, एक ही जैसा, एक ही साथ में दोस्तों लॉन्च हो रहा है, जो है वन प्लस नोट 2 एंड ओप्पो रेनो 6। सो दोस्तों वन प्लस नोट 2 यहाँ पे 28 जुलाई को आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा और ओप्पो रेनो 6 29 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी अमेजिंग ऑफर्स के साथ ये दोनों प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। सो आप नियर बाय या तो ऑनलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टिकटॉक की ओर से कि फाइनली दोस्तों ऑफिशियली टिकटॉक इंडिया में वापस से लॉन्च हो रहा है। जी दोस्तों, आप लोगों ने सच सुना, टिकटॉक। जी दोस्तों, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों बाइट डांस, यहाँ पे दोस्तों उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, एक ट्रेडमार्क लिंक कर दिया है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर दिया है कि यहाँ पे टिकटॉक का कुछ स्पेलिंग चेंज करके, जैसे पबजी की जगह पे BGM ने बैकडोर से इंडिया में वापस से वापसी की है, वैसे ही दोस्तों टिकटॉक भी कुछ नया लेके इंडिया में वापस से वापसी कर रहा है। बट दोस्तों मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप लोगों को दोस्तों लगता है कि टिकटॉक जो पहले प्लेटफॉर्म पे जमा हुआ था वैसा ही अभी इस प्लेटफॉर्म पे जम पाएगा? क्योंकि नहीं, टिकटॉक के जाने के बाद दोस्तों काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे रनअप हो गए। जैसे अपना यूट्यूब ही ले लीजिए, यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो अच्छे से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स चल रहे हैं, फेसबुक के भी रील्स कर रहे हैं और मैनी मोर एप्लीकेशन दोस्तों आ गई है। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि ये टिकटॉक वापस अपने इंडिया में अपनी जो उसकी पद था, जो उसका मतलब स्टेज हासिल किया था, वो वापस से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। सो दोस्तों उसके बाद दोस्तों न्यूज़ आ रही है, वो है दोस्तों कि ये जुलाई मंथ के स्टार्टिंग से ही दोस्तों ऑलमोस्ट मोबाइल स्मार्टफोन ब्रांड्स है उन सबके दोस्तों प्राइस हाइक हो गए। जी दोस्तों, प्राइस बढ़ गए। आप लोगों ने भी देखा होगा जो चीज़ 10,500 की थी दोस्तों वो 11,000-11,500 की हो गई। इसका रीज़न दोस्तों मेरे ख्याल से चाइना ही है, बिकॉज चाइना से जो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट का जो चीप रहता है वो आई थिंक प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है, इसी वजह से दोस्तों आई थिंक इंडिया में प्राइस इन सब स्मार्टफोन कंपनीज़ के हाइक हो गए हैं। तो दोस्तों दूसरी खबर की बात करते हैं, वो दोस्तों रियलमी की ओर से कि शाओमी की तरह दोस्तों रियलमी भी दोस्तों लैपटॉप की दौड़ में लग गया है। जी हाँ दोस्तों, रियलमी के कुछ सोर्सेज की वजह से दोस्तों अपने को पता चला है कि रियलमी बुक लैपटॉप दोस्तों एक लॉन्च कर रहा है जो 14 इंच की दोस्तों डिस्प्ले साइज के साथ आने वाला है और इंटेल कोर i5 एंड कोर i3 11 जनरेशन की चिप्स के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे दोस्तों बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का ऑप्शन भी दे रखा है। अभी दोस्तों देखते हैं कि अगस्त के एंड तक ये प्रोडक्ट इंडिया में कब तक आता है और कैसा यहाँ पे वर्चस्व जमाता है वो हम दोस्तों डेफिनेटली देखेंगे। आने दीजिए जितने प्रोडक्ट आनी है दोस्तों आने दीजिए, अच्छा ही है। उसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लेनोवो की। दोस्तों लैपटॉप की बात है और दोस्तों लेनोवो की हम बात ना रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दोस्तों लेनोवो ने X1 सीरीज के लैपटॉप्स लॉन्च करने की तैयारियां कर दी है। ऑफिशियली उसकी वेबसाइट पे भी दोस्तों इसकी डिटेल्स अवेलेबल हो गई है, जो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला लैपटॉप रहेगा जो दोस्तों फोल्डेबल स्क्रीन के साथ होगा। जी दोस्तों 2-in-1, यानी कि आप इसको टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो, एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आपको फोल्डेबल डिस्प्ले मिल रही है, यानी कि दोस्तों आप डिस्प्ले को फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी दोस्तों कहां से कहां पहुंच गई है। बट दोस्तों ये लेनोवो का टैबलेट काफ़ी दोस्तों जो भी लैपटॉप कम टैबलेट है या तो टैबलेट कम लैपटॉप बोल दो, जिसका दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं ऑफिशियली कि दोस्तों एक्चुअल में ये प्रोडक्ट कैसी होने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। जी दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने काफ़ी बड़ा इनोवेटिव वर्क करने जा रही है। जी दोस्तों, वो एक बड़ा सा अपडेट देगी उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे AR की मदद से दोस्तों फर्नीचर परचेस कर पाओगे। आप लोगों ने भी दोस्तों कभी ना कभी आपके घर के लिए या आपके ऑफिस के लिए दोस्तों कुछ फर्नीचर या कुछ ऐसा सामान मंगवाया होगा जिसमें साइज मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार साइज मैटर कर जाता है कि हमें लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट फिट हो जाएगा, बट जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है उसके बाद दोस्तों इश्यू आता है कि यार ये तो यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा है। उसके लिए दोस्तों फ्लिपकार्ट एक बड़ा सा इनोवेटिव काम लेके आया है, जिसको वो है AR, यानी कि व्यू इन माई रूम। एक यहाँ पे आपको जब भी आप ये फर्नीचर वगैरह परचेस करोगे तब आप दोस्तों यहाँ पे आपको व्यू इन माई रूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों जो स्पेस में आपको जो चीज़ लेनी है, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको AR कैमरे की मदद से 3D इमेज के साथ दिखाई दिया जाएगा कि वो किस तरीके से फिटिंग बैठेगा, कौन सी जगह पे बैठ रहेगा और दोस्तों कैसा लगने वाला है। सो दोस्तों फ्लिपकार्ट की ओर से काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अपग्रेडेबल फ्यूचर बोले जा रहा है।
दोस्तों दूसरी टेक न्यूज है वो है दोस्तों सैमसंग की ओर से कि सैमसंग S22 सीरीज जो दोस्तों अभी काम है थोड़े टाइम बाद दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा, बट S22 सीरीज में दोस्तों सबसे बड़ा जंप देखने को मिलता है सैमसंग की ओर है, वो है दोस्तों उसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे दोस्तों सैमसंग S22 सीरीज में आपको 22, 25, 65 वोल्ट्स तक का दोस्तों चार्जिंग सपोर्ट देखने का मिलेगा। यानी अरे कहना क्या चाहते हो कि दोस्तों यहाँ पे आपको 65 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला है, हालांकि दोस्तों वो आउट ऑफ बॉक्स रहेगा, आपको अर्जेंट से परचेस करना रहेगा, बट सैमसंग की ओर से दोस्तों काफी बड़ा जंप है क्योंकि 25 वोल्ट तक के ही चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिलते थे, बट सैमसंग ने पहली बार इतना बड़ा जंप चार्जिंग टेक्नोलॉजी में किया है, जस्ट दोस्तों बिग जंप। दोस्तों सैमसंग की बात की है तो उसी के साथ दोस्तों एप्पल की भी बात कर लेते हैं कि दोस्तों एप्पल 11 जब लॉन्च हुआ था तब दोस्तों 18 वोल्ट का चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिला था, आईफोन 12 सीरीज में दोस्तों 20 वोल्ट का चार्जिंग देखने को मिला था, बट आईफोन 13 सीरीज में दोस्तों आप लोगों को 25 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आईफोन मतलब हर एक सीरीज में चार्जिंग को भी अपग्रेड करा है, दस दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, बट दोस्तों यहाँ पे अगेन सैमसंग की तरह यहाँ पे आपको एप्पल को भी आउट ऑफ बॉक्स चार्जर खरीदना पड़ेगा जो दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। दोस्तों हॉनर की बात करना चाहता हूं, दोस्तों हॉनर का V7 Pro करके एक दोस्तों टैबलेट लॉन्च हो रहा है जिसमें दोस्तों वर्ल्ड का डायमंड सिटी 1300T आई थिंक दोस्तों टी क्यों लगा है वो पता नहीं, बट 1200 तक तो दोस्तों हमें पता था कि ये यूज होते थे, बट 1300T डायमंड सिटी का प्रोसेसर इंडस्ट्री में सबसे पहली बार टैबलेट में दोस्तों देखा जाएगा, वो भी दोस्तों हॉनर के V7 Pro मॉडल में। तो दोस्तों आई थिंक ये मेरे ख्याल से एकदम फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो दोस्तों टैबलेट को दोस्तों चार चांद लगाने वाला है। दोस्तों मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में दोस्तों यहाँ पे आपको G96 एंड G88 SoG चिपसेट देखने को मिल जाएगी, दोस्तों वो कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इनका, और उसी के साथ दोस्तों स्नैपड्रैगन ने भी 888+ SoG 5G चिपसेट को भी लॉन्च किया है, और उसी के साथ दोस्तों अपना आज का टेक न्यूज़ खत्म होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे, और दोस्तों अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।